हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम आईटी अवार्ड्स के बारे में, जो कि रिसेंटली यानी कि कल ही शूट हुए हैं। और यहां पर अवार्ड्स वगैरह तो रिसीव कर चुके हैं एक्टर्स, और जैसे जैसे नाम बाहर आते हैं उन पर मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, और विनर लिस्ट पर भी जल्दी एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन इंडिविजुअल वीडियोस भी डाल देता हूं जैसे ऐसे जो जो नाम सामने आते हैं। हर्षद चोपड़ा के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, जो कि इस अवार्ड शो के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, और इनकी परफॉर्मेंस और इनके अवार्ड्स के लिए भी। और नॉमिनेशन वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर्षद चोपड़ा को मल्टीपल यहाँ पर नॉमिनेशंस मिली थी इस अवार्ड शो के लिए। और गाइस, हर्षद चोपड़ा जीत चुके हैं एक अवार्ड, तो ज़रूरी नहीं है एक ही अवार्ड जीते हों, मे बी इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक अवार्ड जो है जीत चुके हैं वो हैं बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड। तो गाइस, बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड जा चुका है हर्षद चोपड़ा को फॉर अभिमन्यु का कैरेक्टर इन स्टार प्लस का ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो काफ़ी बढ़िया और अच्छी खबर है हर्षद चोपड़ा के फैंस के लिए, जो कि इनको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस अवार्ड शो में, और जो कि इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे इनके एविड फैंस। तो हर्षद चोपड़ा पहले भी आईटी अवार्ड्स मल्टीपल टाइम्स जीत चुके हैं, तो उनका कोई पहली बार तो आईटी अवार्ड होगा नहीं, बट स्टिल आईटी अवार्ड काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है हमारे इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में। तो हर्षद चोपड़ा के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है ही, और उनके फैंस के लिए भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो गाइस, बेस्ट एक्टर पॉपुलर का अवार्ड जो कि हर्षद चोपड़ा ले गए हैं, आपको क्या लगता है, ये डिसीजन फेयर है, आप इसके साथ सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं, या फिर आपको लगता है किसी और टीवी सीरियल के किसी और एक्टर को मिलना चाहिए था? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपस में डिस्कस करिएगा। और भी जो जो विनर लिस्ट मैं डाल ही दूंगा, और जो जो अलग अलग कैटेगरीज में लोग जीते होंगे उन पे वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। तो आईटी अवार्ड्स के विनर्स के वीडियोस सब पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अवार्ड्स के अपडेट्स बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।